हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा वीडियो के पीछे बैकग्राउंड डालना है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आप अपने वीडियो के पीछे बैकग्राउंड, मतलब जो है आप वीडियो के पीछे जो जिस जो आपकी वीडियो है जो आप यूट्यूब पर चढ़ाते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड का म्यूजिक मतलब टोन कैसे डालेंगे। तो बिना समय गवाए हम इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कनाई मास्टर। तो कनाई मास्टर सर्च करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया हूँ, करता हूँ मैं इसे डायरेक्टली ओपन। तो कर लेते हैं हम इसको ओपन। तो यह मेरा ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करना है। प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको प्रोजेक्ट मतलब कैसे तैयार करना है, या इस तरह से ये 16.9 या 9.16 या फिर 1.1। तो जैसे भी, तो मैं बीच वाले को सिलेक्ट करता हूँ। तो बीच वाले को सिलेक्ट करने के बाद आप इस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर साइड में मीडिया, मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज में क्लिक करना है। स्टोरेज में क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह पर फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। और जो आपको जिस वीडियो के आप पीछे बैकग्राउंड, जिस वीडियो के पीछे आप म्यूजिक डालना चाहते हैं उस वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। तो बिना समय के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर करता हूँ यस के चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपको, यस। फिर आ जाता हूँ इस तरह से। तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑडियो। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से आने हैं फोल्डर में, यहाँ से फोल्डर्स पर क्लिक करना है। और इसमें आपको वह म्यूजिक डालना है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर चढ़ाना चाहते हैं बनाकर ऐसे वीडियो को, तो आपको वह वीडियो म्यूजिक डालना है जो नो कॉपीराइट साउंड हो, मतलब कि जैसे कोई ऐसे गाना चाहिए जो कॉपीराइट नहीं हो। तो ज़्यादातर यूट्यूबर NCS कंपनी का, मतलब NCS कंपनी का या वेबसाइट से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं और इस यूट्यूब पर, यूट्यूब का बैकग्राउंड पर डालते हैं। तो हम भी एक यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो कोई एक अच्छे वाला सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे यह वाला अच्छा लगा। तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यह आ चुका है। तो यहाँ पर करते हैं, आपको सही का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो सही पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं कि मतलब किसका वैल्यूम बढ़ाना है, किसका वैल्यूम कम करना है। तो यहाँ पर पहले प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा मेरा जो वैल्यूम है वह टोन है जो ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हो चुका है। तो हम इसे कम कर लेते हैं इस पर। तो आप उसी गाने के टाइटल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साउंड पर क्लिक करना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% साउंड है जिसे हम कम करते हैं। तो मिनिमम आपको 10 या 15 से ज़्यादा नहीं रखना है। तो हम कर लेते हैं इसको कम से कम 10 10 या फिर मान लीजिए 12 कर लेते हैं। 12 करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सही का निशान दिया हुआ, सही पर क्लिक करते हैं। सही पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हेलो हैं। गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं दीपक कुमार करता हूँ, आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप अपने बैकग्राउंड मतलब वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में अपना रिंगटोन डाल सकते हैं, मतलब टोन डाल सकते हैं। तो अगर सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर आपको बता दूँ, कोई आप जैसे कि कोई किसी डिटेल को आप छिपाना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए हमारा यह डिटेल है, यहाँ पर हमने अपना डाला है नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आप चाहते हैं कि हम इसे छिपा दें। तो आपको सब सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना है लायर। लायर पर क्लिक करने के बाद आपको ये देख सकते हैं, तो आपके सामने ये बहुत सारा ऑप्शन खुल सकता है। तो आप यहाँ पर इफेक्ट पर फेक्स एफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक एफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वो ब्लूर है, एक मोस्टिक है। तो हम ब्लूर वाले पर क्लिक करते हैं। ब्लिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सही के निशान देगा, सही पर क्लिक करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम बड़ा छोटा कर भी सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। तो हम इसके हिसाब से इतना बड़ा कर लेते हैं। करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। नीचे लाने के बाद फिर से यहाँ पर सही वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक के बाद फिर से हम प्ले करके देखते हैं कि यह मेरा जो डिटेल्स है वह छिपा है या नहीं। तो हम यहाँ से फिर प्ले करते हैं। तो हम थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं छिपाने लग तक।
फिर आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ कोने में दिखाई दे रहा होगा एक वर का आइकन बना हुआ है, उसमें तीर जैसा है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर उस वीडियो को जो आप वीडियो एडिटिंग किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ शेयर जैसे बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद स्किप कर देना है। तो आप देख सकते हैं यह एक्सपोर्टिंग होने लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।